ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के राशिफल के बारे में। धनु राशि का जून का महीना कैसा जाएगा, इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इनका भाग्योदय कैसा होगा और इनका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा। देखिए, आप लोगों का जिनकी राशि धनु है उन लोगों के लिए जून का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत उत्तम है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपके कार्य की सफलता से आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। खान पान में भी आप अच्छा रहेगा, किसी तरह की आपको रोग या बीमारी होने का कोई योग नहीं बनता है। जो भी काम आप कर लेंगे उसमें आपके परिवार वालों का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति, धन के मामले में देखा जाए तो चूंकि ये महीना आपके लिए अच्छा साबित होगा, विशेषकर ये महीने का उत्तरार्ध यानी कि 15 तारीख के बाद का जो समय आएगा इसमें आपके रुके हुए धन को भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। इसके अलावा आपको कोई छोटी मोटी यात्रा करने का अवसर मिलेगा, उस यात्रा में आप सफल भी रहेंगे और कार्य सिद्ध भी होगा। जहाँ तक आपके मित्रों का मामला है तो मित्रों के साथ आपके बड़े मधुर संबंध रहेंगे। संतान के क्षेत्र में, संतान के शिक्षा दीक्षा में भी सफलता मिलेगी, उनके पढ़ाई लिखाई से आप काफी संतुष्ट रहेंगे। जीवन साथी, आपका जीवन साथी के बारे में देखा जाए तो ये महीना थोड़ा उतार चढ़ाव वाला है, क्योंकि उनके तबीयत में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए आप थोड़ा सचेत रहिए और उनसे किसी भी तरह के कटु वचन बोलने से बचें। जहाँ तक यात्रा की बात है, अगर आप कोई भी यात्रा अपने जीवन साथी के साथ करेंगे तो आपका पूरा परिवार बड़ा प्रसन्न रहेगा और आपके जीवन साथी के द्वारा किया गया पुण्य भी आपको लाभ देगा। वैसे तो आप भी धार्मिक हैं लेकिन आपसे अधिक आपका जीवन साथी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, इसलिए उनके धर्म कार्य में आप जितना सहयोग करेंगे उतना आपके लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा। अब जहाँ तक अगर आप नौकरी चाकरी के क्षेत्र में हैं तो आप ये मान के चलिए नौकरी चाकरी में भी आपको अच्छा सम्मान मिलेगा। हाँ, अधिकारियों से आप अधिक प्रतिस्पर्धा मत करें यानी कि उनकी बुराई मत करें। जो भी कार्य उनके द्वारा दिया गया है उसे आप अच्छे ढंग से करने का प्रयास करें, इससे आपके और आपके अधिकारी के प्रति अच्छे संबंध बने रहेंगे। व्यय के मामले में देखा जाए तो वैसे तो ये थोड़ा बहुत आपका महीना खर्चीला साबित होगा, लेकिन ये खर्चीला महीना आपके लिए इतना ज़्यादा कोई कष्टकारी नहीं है कि जिससे आपकी आर्थिक ज़्यादा नुकसान हो, लेकिन जो आप खर्च करेंगे उससे आपको संतुष्टि भी रहेगी और कार्य सिद्ध होने से एक प्रकार का हर्ष भी रहेगा। इस महीने में जहाँ तक आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि आप सिर्फ छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा गर्म महीना है आपकी राशि के लिए, इसलिए आप अपने व्यवहार में नियंत्रण रखें और किसी पर अत्यधिक क्रोध ना करें, जिससे कि ये महीना आपको बहुत सुखमय और अच्छा व्यतीत हो। मित्रों, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये फलादेश अच्छा लगा होगा। आप मेरा यह चैनल लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।